हेलो एवरीवन, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं यू मस्ट नो टू एमसीक्यूज ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सोलर सिस्टम का कोई एमसीक्यूज ना हो। तो आज हम बहुत ही अच्छी तरह से सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छी तरह से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम स्टार्ट कब हुआ, बिगिनिंग कब हुई। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफी की डेटा जो 2021 की है उसके मुताबिक 4.57 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम की क्या हुई है, बिगिनिंग हुई है। ठीक, अब सोलर सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट कौन से, किन चीज़ को मिला के, कौन से एलिमेंट्स को मिला के हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये 7 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के हम इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिंपल है बहुत ही सोलर सिस्टम की। सन एंड एवरीथिंग दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। मीन सन और उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ भी रिवॉल्व कर रही है इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। अब देखते हैं क्या कौन सी चीज़ें आती हैं सोलर सिस्टम में। नंबर वन पे है सन। पूरे सोलर सिस्टम में सन का मकदार है 99.84%। आप समझे कि जो 100% में से 99.84% ये कवर रहा है, कर रहा है, बाकी रिमेनिंग 0.16% ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सन क्या है। सन एक स्टार है, ल्यूमिनस बॉडी है। जो चीज़ आग या रोशनी छोड़ती है उसको हम स्टार कहते हैं। सिमिलरली सन भी एक स्टार है। दूसरी जो एलिमेंट है सोलर सिस्टम का, दूसरा कंस्टिट्यूएंट है, वो है प्लैनेट। हमें खुद जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं वो एक प्लैनेट है। प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट एक जैसे स्टार ल्यूमिनस बॉडी है, प्लैनेट नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती है। अब ये क्या करता है, ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो अराउंड द सन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं कि हमारे प्लैनेट्स कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अब प्लैनेट कौन से, नंबर वन पर है मरकरी, उसके बाद है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, ठीक है, फिर हमारा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। ठीक, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स की एक से दो खासियत है, वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। सपोज टू बी इस डायरेक्शन में आता है, यहाँ से जा रहा है मरकरी, तो हमेशा अपने एक ही पाथ पे रहता है, वो अपना पाथ कभी भी चेंज नहीं करता। इन सब को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। ठीक, अब प्लैनेट्स की जो बनावट, कुछ गैसेस के बने होते हैं, कुछ डस्ट और आइस के बने होते हैं, इसके लिए आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास वो हैं ड्वार्फ प्लैनेट। अब प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट में क्या फ़र्क है, मैं आप लोगों को बता दूं। जो प्लैनेट है अगर वो अपने ऑर्बिट को छोड़ दें, अपनी जगह को छोड़ दें और उनके ऑर्बिट में कुछ आ जाए, डेब्रिस, ठीक है, कुछ आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, कोई और एलिमेंट आ सकता है, उसकी वजह से उसका पाथ क्लियर नहीं हो, तो उसको हम प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट में यही फ़र्क है कि इसका जो ऑर्बिट है फिक्स होता है और वो क्लियर होता है, मगर इसका ऑर्बिट फिक्स नहीं होता, मीन उसका पाथ फिक्स नहीं होता जहाँ से वो घूमता है, उसके अलावा इसका पाथ क्लियर भी नहीं होता। ये देखें, ये प्लूटो 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, मगर 2006 के बाद 8 प्लैनेट्स हो गए, क्योंकि प्लूटो उसने अपना पाथ जो है चेंज किया 2006 में, तो उसके बाद वो प्लैनेट नहीं रहा, वो ड्वार्फ प्लैनेट बना। ये वाले जो रिमेनिंग हमारे चार नज़र आ रहे हैं ये हमारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, जिनके नाम हैं प्लूटो, सेरेस, एरेस, मके। ठीक है, उसके बाद है सेटेलाइट। सेटेलाइट ऐसे ही है जैसे हमारा प्लैनेट के लिए होता है। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, सेटेलाइट भी क्या है, वो प्लैनेट के अराउंड घूमता है। ठीक है, अब सेटेलाइट के नाम होते हैं। सेटेलाइट के नाम क्या है, एक तो नेचुरल सेटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। मून भी एक किस्म की सेटेलाइट है क्योंकि वो प्लैनेट के चौगर्द घूमता है। सारे जितने भी हमारे प्लैनेट हैं इनके मून है सवाए मरकरी और वीनस के। ठीक है, और दूसरी जो सेटेलाइट आर्टिफिशियल होती है जो यहाँ से हम भेजते हैं ऊपर आसमान में, तो वो भी हमारे खिलाफ में रिवॉल्व करती है, वो भी किसी न किसी प्लैनेट पे। रिसेंटली जो हमारे एलोन मस्क की सैटेलाइट्स नजर आई थी वो भी हमारे प्लैनेट के सराउंडिंग में घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद एक कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है, ये आइस और डस्ट के बने होते हैं। रात को आपको नजर आते होंगे गिरता हुआ तारा, ये कॉमेट्स ही होते हैं। ये जलते हैं, ठीक है, इनका ये हेड है, ये टेल है, पीछे से इनको आग निकलती है क्योंकि ये हमेशा जो रिवॉल्व करते हैं, अब नियर आ गए सन, तो उनसे पीछे से आग इस वजह से निकलती है, फ्रिक्शन की वजह से।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एस्टेराइड्स। एस्टेराइड पूरे हमारे इसमें सोलर सिस्टम में दो जगहों पर मिलता है, एक मार्स और जुपिटर के बीच में, दूसरा नेपच्यून में एंड ऑफ द जो प्लैनेट्स है वहां पर हमें मिलती है। अब ये जो हमारा एस्टेराइड है इसको कहते हैं एस्टेराइड बेल्ट, ये दोनों हमारे एस्टेराइड बेल्ट हैं, ठीक है। जो पहले वाला बेल्ट है इसका नाम है क्यूपर बेल्ट, ठीक है, इसका नाम है क्यूपर, KUIPPER क्यूपर बेल्ट। बाकी रिमेनिंग ये वाला जो बेल्ट है हमारा एस्टेराइड, इसको जस्ट एस्टेराइड बेल्ट ही कहते हैं, ठीक है, इसका कोई फिक्स नाम नहीं है। बाकी ये हमसे पूछा जाता है कि एस्टेराइड बेल्ट या क्यूपर बेल्ट हमारा कहाँ पर लाइक करता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में। उसके बाद है मेटेराइड। मेटेराइड में ऐसे ही होता है जैसे ये हमारे डेब्रस, सपोज टू बी एस्टेराइड का कोई राख निकल के यहाँ आ गया तो वो मेटेराइड बनता है। इस मेटेराइड के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे मेटेराइड नीचे गिरता है तो उसको आग लगती है क्योंकि फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से। जब उसको आग लगती है उस फॉर्म को मेटेराइड कहते हैं। जब उसके एशेज बन के ज़मीन पर जो हमें पत्थर गिरा, कभी भी आसमान से कोई भी पत्थर गिरा, वो हमेशा मेटेराइड होता है क्योंकि वो एश होता है मेटेराइड का। उसके अलावा आप अगर जानना चाहते हैं सभी प्लैनेट्स की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खूबियां हैं, इसके लिए आपने मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखनी है। होप इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर यू। थैंक यू सो मच।